हेलो एवरीवन, मेरे पास एक बहुत मस्त कमेंट आया है जो कि मुझे किया है नागेंद्र नायक जी ने, और वो मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। दरअसल आइए उसका आंसर देते हैं। भाई, फर्स्ट सर्विस में गियर ऑयल चेंज करते हैं क्या? तो जी हाँ, फर्स्ट सर्विस में गियर ऑयल चेंज करते हैं। एंड बहुत से सिटी में, जैसे कि मेरे मेरे कंडीशन में क्या हुआ था, मतलब मेरे साथ क्या हुआ, तो मैंने उनसे बोला था कि आप मेरी गाड़ी गियर ऑयल भी चेंज कर दीजिए। उन्होंने मुझसे बोला था कि आपकी गाड़ी का जो गियर ऑयल वो थर्ड सर्विस में चेंज होगा। अब थर्ड सर्विस में पहुँचते पहुँचते आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, कितने किलोमीटर नहीं चली है, क्योंकि बहुत लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन होती है एंड बहुत लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन होती है। बट अगर आपकी गाड़ी का गियर ऑयल चेंज हो गया, इट्स बेस्ट फॉर यू, बहुत अच्छा हुआ आपकी गाड़ी का गियर ऑयल चेंज हो गया है, कभी गियर से प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो अच्छी बात है आपके गियर ऑयल चेंज हो गया है, ठीक है ना। मेरे फर्स्ट सर्विस में उन्होंने 400 रुपीज बिल किया, ठीक है, 275 रुपीज का इंजन ऑयल, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बोला गियर ऑयल 85, जो कि गियर ऑयल 85 ठीक है, बट उनसे पूछ रही कौन सी कंपनी का गियर ऑयल उन्होंने यूज किया, क्योंकि यहां पे मेरे पास मेंशन नहीं गियर ऑयल कौन सी कंपनी का है। ओके, कंज्यूमेबल्स 40, और ये कंज्यूमेबल्स मतलब क्या है, वो मुझसे पूछ रही कंज्यूमेबल्स मतलब क्या होता है। मैंने पूछा उनको, वो बोले वो कंपनी के तरफ से फिक्स्ड बिलिंग है। क्या ये सच है? देखिए, कंज्यूमेबल्स मतलब होता है उपभोज्य चीजें, उपभोज्य मतलब कि ऐसी चीजें जो आप दोबारा यूज ना कर सकें। आप समझिए, जैसे कि ल्यूब्रिकेंट्स हो गए, इंजन के कुछ ऐसे नट्स या फिर ऐसे बोल्ट्स या फिर ऐसे पार्ट्स जिनका यूज आप दोबारा नहीं कर सकते अपनी गाड़ी में। जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल टॉपअप कराया, अब इंजन ऑयल का टाइम आ गया कि अब उसके उसको रिन्यू करना है, यानी कि इंजन ऑयल को अब हमको चेंज करना है। तो चेंज किया हुआ इंजन ऑयल, यानी कि जो हमने यूज किया हुआ इंजन ऑयल, जो हमने ड्रेन आउट किया, अब वो इंजन ऑयल हम दूसरी गाड़ी में तो डाल नहीं सकते, या फिर अपनी गाड़ी में डाल नहीं सकते। इंजन का वॉशर, जब हम लोग अपनी गाड़ी में जब इंजन ऑयल चेंज करते हैं, तो उसका जो हम लोग नया वॉशर यूज करते हैं, तो वो वॉशर हम लोग दोबारा फिर से वही वॉशर को यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें जिनका यूज हम ल्यूब्रिकेंट्स हो गए, नट्स बोल्ट नट बोल्ट हो गए, ऐसे कुछ पार्ट्स हो गए जिनका यूज हम दोबारा नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं उपभोज्य चीज, यानी कि कंज्यूमेबल्स। और ये 40 रुपीज जो चार्ज कंपनी की तरफ से उन्होंने बिलिंग किया, वो बिल्कुल ही जेन्युइन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे साथ अभी 40 रुपीज का ऐसा कंज्यूमेबल्स चार्ज अभी तक नहीं हुआ है, हो सकता है कि इस बार से हो, शायद से हो, कि मेरी गाड़ी मुझे थर्ड सर्विस करवानी है, कई बार कॉल आ चुका है तो मेरे को जाना है ऑलरेडी। लेकिन कंज्यूमेबल्स मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें, ऐसे पार्ट्स जिनका यूज आप दोबारा अपनी गाड़ी में नहीं कर सकते हैं। आई होप सो मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर प्रॉपरली दिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।